आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप आमेर से आई हो क्या? सबको धन्यवाद, आप लोग आए हो, दूर से आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही चीज कहने आई हूँ मैं, ये कि पिछले 16 तारीख के दिन जो हुआ, मैं समझती हूँ कि भारत देश का एक बहुत बड़ा हादसा। आज वहां के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि करीबन 1000 आदमियों की मौत हो सकती है, लापता है लोग। उनके ही स्पीकर साहब ने यह कहा कि 10000 लोग, और लोग ये सोच रहे हैं कि ये 40-50 हजार तक के जीत जा सकते हैं। इतना बड़ा हादसा मैं समझती हूँ कि भारत में पिछले 20-40 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज कहा है सब लोगों को कि ना तो फूल डालना ना कुछ करना। हम लोगों ने पिछले 4 दिन से पैदल चल चल के और सब लोगों से बातचीत करके उन लोगों के लिए कुछ अंशदान इकट्ठा करने की हमने कोशिश भी की है। लोगों के बीच में जाके उनके परिवारों में बैठ के उनको सांत्वना देने की कोशिश भी की है। परंतु हमको सब लोग और आप लोगों की तरफ से भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं आज कि वो लोग जो लापता हैं उनको जल्दी से जल्दी ईश्वर वापस अपने घर भेज दे, ताकि उनके परिवार के अंदर कोई किसी किस्म का हादसा न हो, लोग फिर से खुश हो जाए। राजस्थान ये आंसू पहुंचने का काम ईश्वर करे, यही विश्वास करके। और एक चीज के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हमारी सबकी प्रार्थना लग जाएगी तो मैं समझती हूँ उनके सबका एक किस्म से मदद मिल जाएगी। आने वाले समय के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मुझे देखने को मिल रहा है उससे मुझे बहुत दुख है। 4.5 साल हमारे गुजर गए हैं, 4.5 साल के अंदर जितना कुछ हो सकता था तो नहीं हुआ। आज जिस गांव में भी जाती हूँ मैं देखती हूँ गांव, कस्बा, झाड़ी और शहर पानी की काफी, जहाँ जाती हूँ या तो लोरेड युक्त पानी है या खारा पानी है या पानी आ नहीं रहा है या डार्क जोन है। लोग परेशान हैं, सब लोग कहते हैं कि हमें टैंकर खरीदना पड़ता है, वो 1000 रुपये का टैंकर लोगों को खरीदना पड़ता है। आज ये स्थिति है, बिजली ना किसान को मिल रही है ना घरों के अंदर मिल रही है। रोजगार आप अखबार पढ़ लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर 4-4.5 साल से रोजगार का निरंतर वो चलता कम चलता रहा होता तो आज ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती कि 2000 नौकरी के लिए 7 लाख लोग परीक्षा में बैठे। 350 नौकरी के लिए सचिवालय के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा में रहे। आज ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति होनी नहीं चाहिए थी, हमने कोई आंखों से देखने की जरूरत ही नहीं। मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ, हमारे युवाओं को कह रही हूँ कि टैग जो आंखों के बीच में लगा के आप लोगों को परेशान किया है उसको उसका प्रबंधन करते हुए उसको निकाल दे। उनको पहले अपने आप ही अच्छी का प्रबंधन था जिसके द्वारा इतने सारे लोगों को हम लोगों ने नौकरी दिलवाई थी, उस प्रबंधन को लाकर फिर से हम जागरूक करेंगे। और लोगों को नौकरी देने का सबसे पहले जिस तरीके से अपनी सरकार के अंदर किया था उस तरीके से करें। अरे हमारे टाइम में 5 लाख से 10 लाख लोगों को नौकरी कैसे मिली और ये 4.5 साल के अंदर 50,000 तक भी नहीं पहुंच पाए, और अब ये 4.5 महीने के अंदर आपको ये दिखावा करा जा रहा है। जल्दी 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 अनाउंस कर दो, इसको भी अनाउंस कर दो, उसको भी अनाउंस, हैरान बांटो, जैसे किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने जा रहा है और क्या कर रहे हैं सरकार। उनको लग रहा है कि हमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार करने क्या जा रही है, न बिजली, न पानी, न रोजगार, न सड़क। ये तो महाराज जी की वजह से अपने को इतना सब कुछ मिल गया, नहीं तो और लोगों को जाके देख लेना क्या हालत है। अंदर की सड़कें जहां भी जाती हैं गड्ढे, सड़क में गड्ढे, ये तो सड़क की हाल है। तो उसके आगे चलो, जहां जहां पीएचसी, जहां जहां सीएचसी, जहां जहां हॉस्पिटल, आपके पास डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, महिला डॉक्टर तो है ही नहीं। मुझे मालूम है कि पूरे राजस्थान के महिला डॉक्टर क्या हो गया, कहां है महिला डॉक्टर नहीं है, टीचर स्कूल के अंदर नहीं है। ये पहली सरकार है जो स्कूल बंद कर दी, आपने कभी देखा है? पहली सरकार है जो स्कूल बंद कर दी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार ने 4.5 साल के अंदर कोई काम किया ही नहीं है, जिसने कभी जनता का सोचा ही नहीं है, ऐसी सरकार को क्या उसको उसी पर बैठने का हक है? अगर नहीं है तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरी मुझे कह दीजिए, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे और अपनी ऐसी सरकार वापस लाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी और जनता के साथ मिलकर इस काम को करे जैसे पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने करके लिए। जो नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान।
24 घंटे बिजली मैंने देने का वादा करके मैं सरकार छोड़ी थी। पहली दफा इतिहास के अंदर एक दूसरी लाइन निकाल के सिर्फ घरों के लिए सिंगल फेज की बिजली मैंने निकाली थी। मेरे जाते जाते 18 घंटे 20 घंटे तक बिजली आ गई। मैं आपको ये वादा कर रही हूँ कि दो काम करूंगी, सरकार आएगी अपने को मिलकर करना है, यदि एक अकेले कोई काम नहीं कर सकता, पूरी जनता मिलकर हम लोग ये काम करेंगे। 24 घंटे सिंगल फेज बिजली घरों में लाकर छोड़ेंगे, नंबर एक। पर्याप्त स्वच्छ पानी का इंतजाम हम लोग मिलकर करेंगे, तैयार हो गया, हम लोग मिलकर करेंगे। और तीसरा, जहां जहां रोजगार करने की जरूरत है वहां लोगों को रोजगार देने का इंतजाम करेंगे। सरकार का काम है, जिम्मेदारी है, हम लोग करेंगे। ये तीन काम तो हम पहले से आप लोगों को कहना चाहते हैं। सब लोग आज यहाँ जो आए हो, आप लोग आए दूर से आए, सब लोगों को बहुत बहुत है, धन्यवाद और प्यार है। छत्तीस के छत्तीस पम का काम है, एक जात एक मजहब नहीं कर सकता। राजस्थान आज इतने सालों से पिछड़ा इसलिए है कि हम लोग सब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। सब जातियां अलग अलग हो गई हैं, सब मजहब अलग अलग हो गए हैं। और आप देख लेंगे कि 53 साल, पूरे 53 साल अपने कांग्रेस को दिया, आज गड्ढे में पड़े हैं। हम लोग छत्तीस पम प्यार से, सब मजहब प्यार से एक परिवार के रूप में जुट के चलेंगे, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो ये 53 साल में नहीं कर पाए हैं। ये हमारा परिवार का काम होगा, तो अभिमान के साथ करेंगे, तैयार हो, डर तो नहीं है। ये आएंगे, डराएंगे, लुभाएंगे, सब काम करेंगे। हम कितना का टाइम आ गया है, इसमें हम लोगों ना डरना है और तैयारी के साथ पूरे परिवार समेत हम लोगों को जाना है। इसमें 36 के 36 कौम का हिस्सा है और इसमें सब मजहब का हिस्सा है। कोई बीच में आके कोई झगड़ा कराने की कोशिश नहीं करेगा, तो मेहरबानी करके याद रखना कि परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाना तो मिलकर चलना है। और एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान।